नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। उद्योगपति आनंद महिंद्रा को कौन नहीं जानता है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा उद्योग जगत में सफल तो हैं, लेकिन सोशल मीडिया के दुनिया में भी ये लोगों से बहुत कनेक्टेड हैं। आनंद महिंद्रा को इनोवेटिव आइडियाज के लिए भी जाना जाता है और हमेशा वो सोशल मीडिया पर नए टैलेंट और इन्वेंशन को अप्रिशिएट करते हैं और यंग जनरेशन को मोटिवेट करते हैं। शायद इसलिए लोग आनंद महिंद्रा को ज्यादा प्यार करते हैं। वहीं आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक बहुत ही मजेदार वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाथी को फल खिलाया जा रहा है और उसके चारों तरफ खड़ी भीड़ हैप्पी बर्थडे बोलकर उसे विश कर रही है। वहीं ये वीडियो आनंद महिंद्रा को इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर लिखा। मुझे बताया गया कि यह क्लिप तिरुवनाई कवल मंदिर का है, जहां अकीला नाम के हाथी का बर्थडे मनाया गया। ये वीडियो हाथी के जन्मदिन के समारोह का है। मुझे उसका ठेठ देसी अंदाज और उसका सिर हिलाना पसंद आया। यह देखने के लिए एक अच्छी क्लिप है, अगर आप भी कभी खुश रहना चाहते हैं तो। आप वीडियो में देख सकते हैं कि हाथी के सामने फलों से भरा एक थाल रखा है। इसमें से हाथी एक एक फल को अपनी सूंड से उठाकर खा रहा है। यह देखकर आसपास खड़े लोग जोर जोर से हैप्पी बर्थडे टू यू बोल रहे हैं। हाथी को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और लोगों के शोर पर वो भी धीरे धीरे अपना सिर हिला रहा है। हाथी का धीरे धीरे सिर हिलाना आनंद महिंद्रा को खूब भाया है, जिसका जिक्र उन्होंने अपने ट्विटर में किया है। इसके अलावे सोशल मीडिया पर लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, मानवता की खूबसूरती। एक और यूजर ने लिखा, ये हिंदुत्व की खूबसूरत तस्वीर है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, ये हमारी संस्कृति है, जहां हम सभी का सम्मान करते हैं, जानवरों में भी भगवान देखते हैं। एक और यूजर ने लिखा, ये अब तक के ट्विटर पर मैंने सबसे खुश करने वाली वीडियो देखी है। आपको बता दें कि इस हाथी का नाम अखिला है, जो इस क्षेत्र में लोगों के साथ काफी फ्रेंडली नेचर की है। हालांकि ये हाथी है या हथनी है, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो भी है, ये वीडियो वाकई काफी शानदार है। आप इस वीडियो को फिर से देखिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। Bye.